मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकारी योजना कलेक्टर यहाँ पे खड़े होंगे साहब, यहाँ कितने आवास के पट्टे अभी तक बदले मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकारी योजना के? कहीं कलेक्टर है जब कितने कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, अभी पट्टे बदले कि नहीं है? मैं से बताओ, सबको बताओ, फटाफट बताओ, 27,000 गरीबों को अभी पट्टे बदलेंगे। और सुन लेना, जिनके पास रहने की जमीन नहीं होगी, कोई और रह गया होगा, तो उसको रहने के लिए जमीन का इंतजाम तुम्हारा भाई करेगा, मामा करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अभी बता दे कितने बट्टे? अभी पूरे जिले में 27,000 लोगों को बटेंगे और बाकी जो भी है उसको हम लोग भी प्राथमिकता से करेंगे। जो बटेंगे वो अभी तैयार है कि नहीं है? तैयार है सर, लगभग तैयार है। तो ठीक है, वो बटने की तारीख भी क्या होगा? देखो, आज सीधी सीधी बात करने आयो, जिनके पास रहने की जमीन नहीं है उनको पट्टे का, क्योंकि घर छोटा पड़ गया। अरे एक दादा जी थे, उनके चार बेटा बेटी हो गए, घर चार हिस्सों में बट गया, उनकी शादी हो गई, उनकी बहू बेटा आ गए, तो घर और छोटा हो गया। कहीं ने मुझे कहा मामा रहने की जगह नहीं है रे, एक घर में 50-50 सो रहे हैं, ये हालत हो गई है बोले। और इसलिए नंबर एक, सबको पट्टा देने का काम, और नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये संकल्प है, अभी प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान भेजते हैं। लेकिन मुझे पता है कई लोगों को, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो कई लोग हैं उनके नाम आने से छूट गए हैं, आवास प्लस में भी कई लोगों के नाम मकान की सूची में नहीं आए। तो सुनो बहनों और भाइयों, मैंने 15 अगस्त से तय करने के लिए बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गरीब के नाम छूट गए हैं और आवास प्लस में नाम नहीं आए, उनके लिए अलग से मुख्यमंत्री जन आवास योजना बना के हमको सर्वे कराना है। कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा, उसको मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और इसलिए इसके लिए भी जल्दी सर्वे होने वाला है, ताकि गरीब कोई मकान से वंचित ना रहे। मेरे बहन और भाइयों, बेटियों की शादी की व्यवस्था, बेटा बेटी की पढ़ाई की व्यवस्था, बीमार होता है इलाज की व्यवस्था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने का काम करती है। गरीब की हालत भी कैसे दूर हो, आज शाम को 6:30 बजे हमारे वो बेटा बेटी जिन्हें 12वीं पास कर ली और आप नौकरी चाहते हैं, काम सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक योजना शुरू कर रहा हूं, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। जो 12वीं पास है वो अगर किसी कंपनी में काम सीखते जाएंगे तो काम सिखाने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिया जाएगा, ताकि पढ़ाई के बाद वो काम भी सीख ले और उनको तब तक पैसे की व्यवस्था भी हो जाए। आपकी जिंदगी बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है, ताकि गरीब परेशान ना रहे, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई और रोजगार का इंतजाम। मेरी बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने तय किया कि बेटा बेटी अगर दूसरे गांव स्कूल जाएंगे तो मामा साइकिल दिलवाएगा, अच्छे नंबर लेके आएंगे तो बाद में लैपटॉप कंप्यूटर दिलवाएगा, और पहले नंबर पे अपने अपने गांव में जो बेटा बेटी आए हैं उनको कल मामा स्कूटर और स्कूटी दिलवाएगा, ताकि उस पर बैठकर वो कॉलेज जाए। कोई अभाव ना लिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अभियान है। कांग्रेस आती है तो हमारी सब योजनाएं बंद कर देती है, 1.25 साल में
उनने मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया था, तबाह कर दिया था। और इसलिए मैं ये कहने आया हूं कि हम तो ये सेवा के काम करेंगे, हमारी सरकार सेवा के काम करेंगे। गरीबों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। और फिर हम तीर्थ यात्रा भी करवाते हैं। अभी तक तीर्थ यात्रा रेल से करवाते थे, कमलनाथ आए तो तीर्थ यात्रा ही बंद कर दी। मेरी बहनों और भाइयों, आप बुजुर्गों को रेल से अकेले नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहे हैं, ताकि गरीब भी हवाई जहाज में बैठ जाए। हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा शुरू हुई है। कमलनाथ ने हमारी कई योजना बंद कर दी थी, कांग्रेस ने कई योजना बंद कर दी थी, वो योजना फिर से चालू की है। आज मैं अपने सभी बहनों और भाइयों को यही निवेदन करने आया हूँ कि मेरी बहनों, आपने हमेशा प्यार दिया। जब सुरेंद्र ठाकुर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए तो आपने फिर भारी बहुमत से जिताया, और इसलिए मैं आपका मुख्यमंत्री बना। मेरी आपसे अपील है, एक बात का मुझे जवाब देना, बताओ जो अपना साथ दे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं, जो सबको देना चाहिए कि नहीं, और देना चाहिए तो बेईमान कांग्रेस को सबक सिखाइए और फिर राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताइए, ताकि हम आपकी सेवा के लिए काम लगातार जारी रख सके। सुरेश ठाकुर जी, आपने जो मांगा, यहाँ के नेतृत्व ने पूरी पहुंची के जो मांगा, विकास के लिए हमने देने का काम किया है। यहाँ गुलाब ताली बैठे, विद्यालय जी भी बैठे, सारे हमारे नेता भी बैठे, सब कर रहे हमने काम किया। अब आपने बैराज है, कॉलेज मांगा है, तो बैराज में कॉलेज भी खोल दिया जाएगा। देखो भैया, अपन कमलनाथ नहीं है कि रोज दे रहे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा भी निकाल कर दे मुख्यमंत्री। अरे मामला का खजाना खाली नहीं है, कोई कल्याण कर रहे विकास के लिए पैसा रहेंगे और गरीबों के कल्याण के लिए पैसा रहेंगे, किसान के खेतों में सिंचाई के लिए पैसा रहेंगे, किसान को देने को भी रहेंगे। प्रधानमंत्री जी 6,000 दे रहे थे, पहले हमने 4,000 देना शुरू किया और अब पीएम साहब 6,000 देंगे, मामा के भी 6,000 आएंगे। पहले 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, और फिर 2,000 सीएम के। हर 2 महीने में 2,000 रुपया आपने रहेंगे, ताकि गरीब किसान ब्याज के चक्कर में बिछड़ जाए, बर्बाद ना होता है। आपने कार्य काल सुना है, अभी समय लग है, लेकिन आगे भी अपनी सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, फिर से आप भाजपा की सरकार बनाओगे, मेरा ये विश्वास है। बोलो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, सब बनाइए। तो बोलिए भारत माता की, तो जो अभी पूरी होगी, अभी पूरी करूंगा और जो बचेगी वो बाद में पूरी करूंगा। और मेरी सहेली बताओ, 1,000 रुपया भी अब बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाते बढ़ाते 3,000 रुपया तक आपका भी ले जाऊंगा, ताकि मेरी बहन सुखी रह सके, उनकी जिंदगी में कोई तकलीफ ना रहे, उनकी आंखों में आंसू ना रहे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। आओ मेरे बहनों और भाइयों, मेरे साथ मेरे संकल्प लो, जो हमारे